नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ये जो टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स पार्ट वन की फिफ्थ यूनिट हीट एंड थर्मोमेट्री का टॉपिक है। अब तक इस यूनिट में हमने डिस्कस किया हीट एंड टेम्परेचर के कंसेप्ट, वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और आज के पार्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक किन किन विधियों द्वारा, किन किन मोड्स के द्वारा जो है संचरित हो सकती है हीट ट्रांसफ़र या ऊष्मा संचरण। तो जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर पे हों तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर। और ये हीट ट्रांसफ़र जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, यानी कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुँच जाएँ। इसके अलावा यदि केवल एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है तो भी वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। उस स्थिति में दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सराउंडिंग यानी कि वातावरण होगा तो वो जो है हीट ट्रांसफ़र करेगा। यदि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो खुद से सराउंडिंग की ओर करेगा, और यदि उसका टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग से उस ऑब्जेक्ट की ओर। तो इस प्रकार हीट ट्रांसफ़र के लिए जो है टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है, और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। अब हम बात करते हैं वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की, ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो ऊष्मा संचरण के तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन, संवहन और रेडिएशन विकिरण। तो ये जो पहली जो दो मोड्स हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन, उनमें माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम नेसेसरी है, यानी कि ये माध्यम के सहायता से ही जो है हीट इसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। जबकि रेडिएशन जो है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो एक एग्ज़ाम्पल जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ ये आग जल रही है तो इससे जो हीट निकलेगी तो ये तीन मेथड से निकल सकती है। पहला कंडक्शन, तो यदि हमने कोई रोड पकड़ रखी है, मेटेलिक रोड मान लीजिए, लोहे की रोड है, तो इसको यदि इस आग के पास ले जाएंगे तो ये लोहे की रोड जो है थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। तो इस लोहे की रोड में से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। जबकि हवा के द्वारा जो हीट जो है अपने हाथों तक पहुंच रही है वो मेथड कहलाएगा कन्वेक्शन। जबकि बिना एयर के डायरेक्ट जो वेव्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट जो पहुंच रही है वो मेथड कहलाएगा रेडिएशन। तो इस प्रकार इस जो वार्मर ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आग हो गई, तो इससे तीन तरीके से हीट अपनी बॉडी को पहुँच सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा। और जैसा कि इस डायग्राम में तीनों के बीच में डिफरेंस शो किया हुआ है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में, तो कंडक्शन जो होता है चालन, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मली जो है सॉलिड जो मीडियम है, ठोस माध्यम, उसी में कंडक्शन होता है। इसके अलावा ये फ्लूड्स में भी हो सकता है, यदि फ्लूड जो है स्टेशनरी हो यानी कि ठहरा हुआ यदि कोई द्रव हो तो उसमें भी कंडक्शन हो सकता है। दूसरी हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन जो है उस फ्लूड या गैस में होगा जो कि मूविंग हो, यानी कि जो प्रवाहित हो रही हो। तो प्रवाहित होने वाले द्रव या गैस में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। तीसरा है रेडिएशन, तो कोई भी दो सरफेसेस हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है तो उनके बीच में हीट का जो ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन के द्वारा हो रहा है, यानी कि उसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है। सभी ऑब्जेक्ट्स जो है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
रेडिएशन एमिट करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडिएशन निकालता है, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम रेडिएशन एमिट करता है। तो उस प्रकार से नेट जो एमिशन होगा वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। तो जब भी कन्वेक्शन होगा उसके साथ साथ हमेशा रेडिएशन भी होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है इन तीनों में डिफरेंस देखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों माध्यम की सहायता से होंगे और रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनिशियली फ्लूड्स में भी जब हीट ट्रांसफ़र शुरू होगा तो पहले कंडक्शन होता है, उसके बाद में कन्वेक्शन चालू होगा। और फ्लूड्स के बाहर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बाहर की तरफ अपन बात करें तो बाहर की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसमें हमेशा रेडिएशन इन्वॉल्व होगा। अब वन बाय वन करके एक एक को हम जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंडक्शन चालन, तो कंडक्शन में जो है जैसा कि हमने डिस्कस किया, हीट ट्रांसफ़र जो है वो माध्यम की सहायता से होता है और ये जनरली सॉलिड्स में होगा। और सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वाइब्रेशंस के कारण होता है, यानी कि चालन जो होगा वो ठोस माध्यम में जो अणु या परमाणु होंगे उनके कंपन के कारण होता है। और चालन के लिए जो है वो यदि दो बॉडीज़ के बीच में यदि कंडक्शन हो रहा है तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, संपर्क में होना ज़रूरी है। तो कंडक्शन में जो है एक तरीके से मैटर जो है उसका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, माध्यम एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित नहीं होता है, केवल उस माध्यम के जो कण जो हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो केवल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी मेन पोजीशन के जो है इर्द गिर्द वो कंपन करते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो है जनरली कंडक्शन जो है सॉलिड मीडियम में होता है, ठोस माध्यम में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स आपस में जो है दृढ़ जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए रहते हैं, तो इसलिए वो उनको जो है फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते और केवल वो वाइब्रेट कर सकते हैं। इसलिए कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में ही पाया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन चालन के जो है उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अपन जो है कम टेम्परेचर पे हैं और यदि कोई गर्म चीज़ को हम पकड़ते हैं तो कंडक्शन के द्वारा हीट जो है उस वार्मर ऑब्जेक्ट से अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा स्टोव के ऊपर यदि कोई बर्तन रखा हुआ है तो स्टोव से जो उस बर्तन के पैंदे तक जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो भी कंडक्शन के द्वारा पहुंचेगी। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर जो होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आते हैं, मशीन्स में काम आते हैं, तो हीट एक्सचेंजर में जो है एक फ्लूड से दूसरे फ्लूड को जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, तो वो हीट एक्सचेंजर की जो सरफेस है उसके थ्रू जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन के द्वारा हो रही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए रेत गर्म है और गर्म रेत पे यदि अपन चलते हैं तो अपने को जो गर्मी जो महसूस हो रही है वो भी कंडक्शन के कारण हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कंडक्शन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है और माध्यम भी जनरली सॉलिड मीडियम होता है और ऑब्जेक्ट्स यदि अलग अलग हैं तो उनके बीच में जो कंडक्शन होगा वो तभी होगा जबकि वो आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, संवहन की। तो कंडक्शन की तरह कन्वेक्शन में भी जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो है माध्यम के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, उनकी गति होना आवश्यक है, जबकि कंडक्शन में जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, केवल उनका वाइब्रेशंस होता है। और इनिशियली जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्लूड्स में भी इनिशियली जो हीट ट्रांसफ़र जो चालू होगा वो कंडक्शन के कारण होता है, लेकिन बाद में जो है कन्वेक्शन के कारण होगा। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो जो भी फ्लूड्स में हो रही है वो मैटर के एक्चुअल मोशन के कारण हो रही है, माध्यम की वास्तविक गति के कारण हो रही है, यानी कि माध्यम एक जगह से दूसरी जगह तक जो है द्रव प्रवाहित हो रहा है।
अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्शन किस तरीके से कार्य करता है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई एग्जांपल अपन लेते हैं, किसी फ्लूड को यदि गर्म किया जाता है तो गर्म फ्लूड की जो डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स के कारण जो है उत्प्लावन बल के कारण ये जो गर्म लिक्विड होगा ये ऊपर की तरफ इस पर बल लगेगा और ऊपर से जो कोल्डर जो फ्लूड होगा वो इसको रिप्लेस करने के लिए वो नीचे की तरफ जो है मूव करेगा। तो इस प्रकार से जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे इसमें पानी गर्म हो रहा है तो नीचे से गर्म पानी उठ के जो है बायोन्सी के कारण ऊपर जाएगा और ऊपर से ठंडा पानी इसमें नीचे आता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है थोड़ी देर में पूरा जो इसमें फ्लूड जो भरा हुआ है वो पूरा गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसमें फ्लूड का जो मूवमेंट जो हो रहा है उसके कारण हीट ट्रांसफ़र हो रही है और इस प्रकार एक करंट्स जो है एक धाराएं इसमें बन जाती है जिसको कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, संवहन के प्रकार, तो संवहन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक और फोर्स्ड कन्वेक्शन यानी कि बाहरी की बल द्वारा जो जनरेट होते हैं। तो जब नेचुरल तरीके से यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण डेंसिटी में डिफरेंस आता है तो इसे नेचुरल कन्वेक्शन कहा जाता है। जैसे कि ओशेनिक वाइंड्स जो हैं, समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं वो उनमें जो कन्वेक्शन हो रहा है वो नेचुरल कन्वेक्शन है, और फोर्स्ड कन्वेक्शन जैसे कोई एक्सटर्नल सोर्स फैंस या पंप्स के कारण यदि कन्वेक्शन इंड्यूस किया जाए, कन्वेक्शन उत्पन्न किया जाए, इसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे पानी गर्म करने के लिए हीटर अपन काम में लेते हैं या गीज़र है, इसी प्रकार से यदि फैन अपन चलाते हैं तो उसके कारण भी जो है कन्वेक्शन जनरेट होता है। एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन की बात करें तो जैसे पानी को गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म पानी ऊपर की ओर उठेगा और ऊपर से ठंडा पानी उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे की ओर आएगा। तो इस प्रकार से पूरा पानी जो है थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाएगा। तो ये जो पॉसिबल हो पा रहा है वो कन्वेक्शन के कारण है। इसी प्रकार गर्मियों में जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये भी कन्वेक्शन के कारण है। और पृथ्वी के इक्वेटर के पास यानी कि भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए पानी का जो फ्लो है समुद्र के पानी का फ्लो वो इक्वेटर से पोल्स की ओर होता है, वो मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ रहता है, तो ये भी कन्वेक्शन के कारण है। इसके अलावा जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स यानी कि जिनमें गर्म खून पाया जाता है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी कन्वेक्शन के कारण ही है। अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र के तीसरे मोड रेडिएशन की। तो रेडिएशन में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है। और हीट ट्रांसफ़र का ये सबसे पावरफुल जो है मोड है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा है और इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा रहेगी, ये लाइट की स्पीड से जो है ट्रांसफ़र होती है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो सन से अर्थ तक जो हीट जो आ रही है लाइट के साथ साथ में वो रेडिएशन के द्वारा ही आ रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर और सन के बीच में वैक्यूम है तो वहाँ पर माध्यम नहीं है, इसलिए हीट जो पहुँच पा रही है वो केवल उसकी पॉसिबिलिटी रेडिएशन के द्वारा ही है। इसके अलावा हम किसी यदि गर्म ऑब्जेक्ट के पास बैठे हुए हैं तो अपने को जो गर्मी जो महसूस हो रही है वो कन्वेक्शन के साथ साथ रेडिएशन के कारण हो रही है। यानी कि यदि कोई खुली एयर में कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर वो जो गर्मी जो उत्पन्न हो रही है वो दो मोड्स के कारण है, कन्वेक्शन के कारण भी है और रेडिएशन के कारण भी है। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, तो थर्मल कंडक्शन के द्वारा जो कंडक्शन के द्वारा जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है, ऊष्मा का जो संचरण है वो निम्न का जो है कारक है फैक्टर्स उन पे डिपेंड करता है। ऊष्मा का जो अमाउंट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो ऊष्मा का प्रवाह भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, हीट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ऊष्मा ऊर्जा का कंडक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा, ये टाइम इंटरवल जितना ज़्यादा होगा
हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र भी उतना ही ज़्यादा होगा डेल्टा की प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और चौथा, हीट एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस आर लेंथ अलोंग विच हीट इज़ फ्लोइंग। डेल्टा क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ जो है कंडक्शन के कारण जो हीट का जो फ्लो हो रहा है वो कम होता जाएगा। तो इन सभी रिलेशंस को यदि कंबाइंड करके लिखें तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल ए डेल्टा कैपिटल टी डेल्टा स्मॉल टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको लिख दें इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशन है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है के, इसे थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है, ऊष्मा चालकता या ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस के साथ साथ जो है टेम्परेचर कम होता जा रहा है, क्योंकि हीट का फ्लो जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो ये जो कॉन्स्टेंट आ गया थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी डेफिनेशंस जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए अपन 1 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसके डिस्टेंस के साथ जो रेट आ रही है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स, इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ये ले लें 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर या 1 केल्विन पर मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हीट जो अमाउंट ऑफ हीट जो है पर यूनिट टाइम उसके बराबर होती है, जबकि जो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिट हो और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो यूनिट हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता की भौतिक सार्थकता, यानी कि इसको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिकली। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक तरीके से एबिलिटी है हीट ट्रांसफ़र की, यानी कि जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो वो मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा कंडक्शन के द्वारा चालन के द्वारा। इसका रेसिप्रोकल जो है इसका व्युत्क्रम वो कहलाता है थर्मल रेजिस्टिविटी, यानी कि ऊष्मा कुचालकता, और थर्मल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी वो ऊष्मा का उतना ही ज़्यादा कुचालक होगा पदार्थ, यानी कि ऊष्मा के प्रवाह को उतना ही ज़्यादा रोक के रखेगा। तो इसीलिए हायर जो थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल हैं वो जनरली काम आते हैं हीट एक्सचेंजर के, यानी कि जहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान जल्दी करवाना हो बिना लॉसेस के, और जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है उनको वहाँ काम लिया जाता है जहाँ पर ऊष्मा को रोक के रखना हो। तो जैसा कि इस टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मेटल्स जितनी भी हैं धातुएं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और उनमें भी कॉपर की सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए कॉपर को जो है जैसे खाने बनाने के जो भी बर्तन वगैरह हैं उनमें जनरली जो नीचे का जो बॉटम पैंदा जो होगा वो कॉपर का रहता है, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी जो है हीट ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है उस स्टोव बर्नर से जो है अपने जो भी फूड जो भी अपन खाना बना रहे हैं पानी उबाल रहे हैं उस तक ट्रांसफ़र होगी कम से कम लॉसेस के साथ में। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं जैसे लकड़ी है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम है इस तरीके, तो लकड़ी के हैंडल वगैरह जो हैं वहाँ पर काम में लिए जाते हैं, जहाँ की जैसे कि बर्तन हैं उनके हैंडल जो हैं वो थर्मल इंसुलेटर यानी कि ऊष्मा के जो कुचालक हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है उन पदार्थों के लिए जाते हैं, ताकि जो है अपने को जब बर्तन पकड़ें तो अपने को जो है गर्मी या जो है जलन नहीं लगे। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता की इकाई वह विमा। तो जैसे कि हमने रिलेशन देखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसको के लिए इसको अरेंज कर लें तो यहाँ से डायमेंशन लिख देंगे तो यह क्यू की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी, ये टाइम की आ जाएगी, ये टेम्परेचर की आ जाएगी, और ये एरिया की आ जाएगी लेंथ की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1 L1 t-2 θ-1। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो है तो ये भी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो जैसे ये हो जाएगी जूल अपॉन सेकंड, तो ये तो हो जाएगी वाट, और ये हो जाएगी केल्विन टेम्परेचर की, और ये हो जाएगी
मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो ये हो जाएगी मीटर। तो ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी वाट पर मीटर। तो इस प्रकार से ये इसकी यूनिट और डायमेंशन हो गई। और ये जो टेबल जो है वो तीनों के कंपैरिजन को बता रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के कंपैरिजन को जो है वो बता रही है संक्षिप्त रूप में। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र जो है किन किन विधियों से एक जगह से दूसरी जगह तक पॉसिबल हो पाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहले जो दो मोड्स हैं उसमें माध्यम की आवश्यकता रहती है, तीसरे में माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। धन्यवाद।